नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ शाफनी पटनायक। ब्लेटिंग शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती पर मायावती ने पोस्ट किया, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए, साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी ना इंसाफी ना हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने आवाज उठाई, मायावती ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। ये बड़ी खबर आपको बताते जहां सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। फिर बड़ी खबर आपको बताते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती पर मायावती ने पोस्ट किया है, आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मायावती ने पोस्ट कर लिखा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए, साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी ना इंसाफी ना हो। तो मायावती ने पोस्ट कर सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले में सरकार अपना ईमानदार रुख अपनाए और अभ्यर्थियों के साथ कोई भी अन्याय ना हो, आरक्षित वर्ग के साथ कोई भी किसी भी तरीके का अन्याय ना हो, अपने संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। यूपी शिक्षक भर्ती से जुड़ा पूरा मामला जहां कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और यूपी सरकार से जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, इस पर मायावती ने भी पोस्ट किया और मायावती ने लिखा कि शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी ना हो, अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिले और सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, शिक्षक भर्ती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और अपनी बात रखी है और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मायावती ने लिखा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिले और साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि उनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कल बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इसके साथ ही राज्य सरकार को जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है और